चैप्टर चल रहा हमारा डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर में हम आज पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र, ठीक है। दूसरा रहेगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्क, धारा और क्या ईएमएफ, स्पीड, टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच का संबंध, ठीक है। क्या संबंध है इनके बीच में, ठीक है। तो एक यह जो है ग्राफ के द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, और सब लोग बुक वगैरह खोल लो, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कुछ फॉर्मूले, सबसे पहले ईएमएफ के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। ईबी बराबर हमारा होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा आपका फाइव जेड एन पी, ठीक है, 60 × a, एक ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई बी बराबर, ठीक है। और ई बी बराबर ये वाला फॉर्मूला भी होता है हमारा, ई बी बराबर, ठीक है, ई एम एफ बराबर हमारा बी माइनस आई ए आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हमारे ई एम एफ के होते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा बाइंडिंग है, कितने उसमें चालक डले हैं, कितनी वो आरपीएम पे चलता है ना, ये भी मैं लिख देता हूँ। फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स। जेड क्या है, चालकों की संख्या, चालकों की संख्या, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, एन, एन क्या होता है, स्पीड, एस पी स्पीड, है ना, गति, किसमें होती है, आरपीएम में, रोटेट पर मिनट, यानी कि एक मिनट में जितने चक्कर लगाएगा वो उसका क्या होगा, आरपीएम होगा। जैसे छत का पंखा है ना, 400-500 आरपीएम होता है उसके, तो इसका मतलब क्या आरपीएम। इसके बाद पी क्या होता है, पी होता है पोलों की संख्या, पोलों की संख्या, कितने पोल है उसमें बने हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आर्मेचर पाथ, पाथ करंट के जाने के पाथ, करंट के जाने के पाथ, ठीक है, जाने के रास्ते, ठीक है, रास्ते। तो जाने के कौन कौन कितने रास्ते होते हैं, सीरीज में होंगे तो दो रास्ते, समांतर में होंगे तो वो हमारा पोल के ऊपर डिपेंड करेंगे, जितने पोल होंगे उतने क्या होंगे, पाथ होंगे। सीरीज में तो दो रास्ते होते हैं, ठीक है, श्रेणी में, श्रेणी में कितने होते हैं, दो रास्ते, है ना, जो श्रेणी होती है इस तरह कॉइल होती है, दो ही रास्ते होते हैं। समांतर जितने हमने पोल बनाए हैं, जैसे समांतर में जुड़े हैं हमने, ठीक है, इस तरह से जितने भी हमारे क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है, तो उतने क्या निकलेंगे, रास्ते निकलेंगे समांतर में। तो समांतर में क्या होता है, जितने पोल होते हैं उतने क्या होते हैं, पाथ होते हैं। इसमें क्या होता है, पी बराबर दो पाथ होते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब इधर वाला ये क्या है, बी क्या है, बी ये वाला बी है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। आई ए क्या है इसमें, आई ए, आई ए आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा। आर ए क्या है इसमें, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है, आर्मेचर करंट। ई बी क्या है इसमें,
ईएमएफ, ठीक है। ये इसके फॉर्मूला है। इसके बाद एक होता है टॉर्क का संबंध। टॉर्क का संबंध क्या होता है? टॉर्क, ठीक है, आर्मेचर टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क, ठीक है, टी एस एच, शाफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क, इसका क्या संबंध होता है? टॉर्क बराबर अगर एक होता है फाई आई, फाई आई, फाई आई कॉस पाई, कॉस पाई, टी बराबर आर्मेचर टॉर्क, टॉर्क, ठीक है। फाई तो आपको अभी मैंने बता दिया, आर्मेचर धारा भी बता दी, कॉस पाई है एंगल, ठीक है, कॉस पाई, कॉस पाई एंगल, कोणीय, कोणीय, कोणीय वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग या कोणीय एंगुलर, एंगुलर भी बोलते हैं, एंगुलर एंगल, एंगुलर एंगल, ठीक है, एंगल। इस तरह से टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, धारा का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं टॉर्क स्पीड, स्पीड का कैसा कैसा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला निकालूं, स्पीड का संबंध यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे ईवी, ईवी के बराबर हमारा क्या होता है, ईवी के बराबर हमारा क्या होता है, ईवी बराबर बी माइनस आई ए आर, ठीक है, ये संबंध होता है, ठीक है। तो ईवी के जगह ये वाला फॉर्मूला रख सकता हूँ, ठीक है, बी माइनस आई ए आर, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर फाइव जेड एन पी अपॉन साठ गुना, ठीक है, ये सेकंड में है ना, सेकंड में चेंज किया तभी साठ आएंगे, ठीक है, तो साठ गुना ए, ठीक है। अगर मैं इसको, अगर स्पीड को अगर मैं बाहर लाऊं, मुझे स्पीड का संबंध निकालना है, स्पीड का संबंध फाई के साथ क्या है, टॉर्क के साथ क्या है, आर्मेचर धारा के साथ क्या है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इसके सब सारे नीचे चले जाएंगे, ठीक है, गुणा वाले बटे में चले जाएंगे, तो फाई जेड एन पी, ठीक है, ये इसके साथ के क्या जाएंगे, साठ ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वाले कहाँ चले जाएंगे, इसके एन पी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसका तो इसका संबंध बाद में देखेंगे, इसको ऐसे रहेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, स्पीड का संबंध पहले इसमें देखते हैं। अब ये हो गया साठ गुना ए, ठीक है। अब हम स्पीड को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर मोटर बनी हुई है, अगर उसमें जो चालक बने, तो मान लो कोई कितने भी चालक डले हैं, उसमें कितने भी फील डली है ना, कितने चालक डले हुए हैं, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो ये पी एन एन हो जाएगा ना, एन तो यहाँ हो गया, तो मतलब चालक तो हम उसके बदल नहीं सकते, ठीक है, और पोल भी हम उसके बदल नहीं सकते, ठीक है, जो पोल, जो मोटर बन गई, अगर चार पोल की मोटर बन गई तो उसके अंदर चार ही पोल होंगे, ऐसा तो नहीं कि हम उसको दो दो कर सकते, क्योंकि जो वाइंडिंग हो गई पहले से वो तो फिक्स है, तो इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, जेड को भी चेंज नहीं कर सकते, पोलों को भी चेंज नहीं कर सकते, फ्लक्स को भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते फ्लक्स को, क्योंकि फ्लक्स इसके समानुपाती होता है, जो फ्लक्स का अगर फॉर्मूला टॉर्क बराबर क्या था, टॉर्क बराबर क्या होता हमारा, फाई एल, ठीक है, तो अगर फाई किसके समानुपाती हो जाएगी, ये गुणा में है, ठीक है, ये दोनों गुणा में है, तो फाई क्या हो जाएगी, नीचे, ठीक है, टॉर्क आ जाएगा ऊपर, समझिए, तो जो फाई है, अगर हम फाई को अगर घटाएंगे,
अगर फाई को घटाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब फाई से क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ईवी होता है ना, ईवी किसके समानुपाती है, स्पीड के समानुपाती है। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन बनता है, एन बराबर क्या बनता है, ईवी अपॉन फाई, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ईवी को चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और एन को चेंज, एन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर एन को बढ़ाए तो ईवी बढ़ेगा, अगर एन को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यही संबंध है स्पीड का, टॉर्क का, आज के लिए इतना ही। कल मैं स्पीड, टॉर्क, कौन सी मोटरों में क्या होता है उसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ये आप लोग थोड़े याद कर लेना, जैसे ए बी बराबर क्या होता है, फाइव जेड एन पी और कौन ए, और ए बी बराबर क्या होता है, बी माइनस आई आर ए भी होता है, ठीक है। तीसरा, टॉर्क बराबर क्या होता है, फाई आई भी होता है, ठीक है। और फाई बराबर क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन टॉर्क अपॉन आर्मेचर धारा, ठीक है। ऐसे ही स्पीड का संबंध ये वाला निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़े न्यूमेरिकल है और डीसी मोटर वगैरह में तो ये चीज़ हमें सूत्रों से पता चलती है, और सूत्र आएंगे तो हम आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही।